हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंप्लीफाई लॉ। आज के सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं लीगल हिस्ट्री का एक टॉपिक, इंडियन बार कमेटी 1923। आज का ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, लेकिन इसी शॉर्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इंडियन बार कमेटी 1923 ये क्या है, व्हाई इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट वॉज द मेन रीज़न बिहाइंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, इन 1923 अ कमिटी कॉल्ड द इंडियन बार कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एडवर्ड शामिया, अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट। तो 1923 में ये इंडियन बार कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एडवर्ड शामिया, जो कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। द कमिटी वॉज टू कंसिडर इशू एज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बार ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया बार काउंसिल फॉर द हाई कोर्ट ओवर। तो ये कमिटी कुछ इश्यूज़ थे उसे सॉल्व करने के लिए, उसे कंसीडर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इश्यूज़ यानी कि बार का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑन ऑल इंडिया बेसिस, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया बार काउंसिल फॉर द हाई कोर्ट। तो ये जो इश्यूज़ थे इसे कंसीडर करने के लिए ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देखिए, द कमेटी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बार ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड इस्टैब्लिशिंग एन ऑल इंडिया बार काउंसिल ओवर। तो कमेटी क्या है, इस फेवर में नहीं थी, ठीक है, ऑन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बार ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड इस्टैब्लिशिंग एन ऑल इंडिया बार काउंसिल ओवर। द कमिटी सजेस्टेड दैट इन ऑल हाई कोर्ट्स अ सिंगल ग्रेड ऑफ प्रैक्टिशनर्स शुड बी इस्टैब्लिश्ड एंड दे शुड बी कॉल्ड एडवोकेट्स। तो कमिटी ने ये सजेस्ट किया कि सभी हाई कोर्ट्स में एक सिंगल ग्रेड प्रैक्टिशनर्स रहेंगे, इस्टैब्लिश होंगे, जिन्हें एडवोकेट्स कहा जाएगा। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस वकील्स शुड बी अलाउड टू प्लीड ऑन द ओरिजिनल साइड ऑफ द थ्री हाई कोर्ट्स। ये जो वकील्स थे, ये जो एडवोकेट्स हैं, उन्हें अलाउ किया गया टू प्लीड ऑन द ओरिजिनल साइड ऑफ द थ्री हाई कोर्ट्स ओवर। ठीक है, अ बार काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ईच हाई कोर्ट। देखिए, कमेटी ने क्या कहा, एक बार काउंसिल हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे हर एक हाई कोर्ट के लिए, फॉर ईच हाई कोर्ट। इट शुड हैव द पावर टू इंक्वायर इनटू मैटर्स कॉलिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट अ लॉयर। तो ये जो बार काउंसिल है, इसे पावर दी जाएगी कि वो इंक्वायर कर सकता है इनटू द मैटर्स कॉलिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शंस, जो भी डिसिप्लिन रिलेटेड जो कुछ भी मैटर्स हैं उसमें जो एक्शंस लेने होंगे वो बार काउंसिल ले सकता है अगेंस्ट अ लॉयर ओवर। नाउ द हाई कोर्ट शुड बी गिवन डिसिप्लिनरी पावर। देखिए, हाई कोर्ट को भी डिसिप्लिनरी पावर दी गई है, लेकिन उन्हें यह कहा गया है कि बट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो केस को रेफर करना पड़ेगा बार काउंसिल को फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। तो ये है, एक छोटा सा बेसिक आइडिया दिया है मैंने आपको इंडियन बार कमेटी क्या है, जिसमें हमने देखा कि 1923 में कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एडवर्ड शामिया, जो कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। किस लिए, तो देखिए, कुछ इश्यूज थे उसे कंसीडर करने के लिए, जैसे कि ऑल इंडिया बेसिस पर बार या इंडियन बार काउंसिल पर इस्टेब्लिशमेंट करना बार का। तो ये सब चीज़ें थी, ये इशूज़ थे जिसके फेवर में ये कमेटी नहीं थी। कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि एक सिंगल ग्रेड ऑफ प्रैक्टिशनर्स होंगे जिन्हें एडवोकेट कहा जाएगा, और ये थ्री हाई कोर्ट्स में प्लीड कर सकते हैं ओरिजिनल साइट पर। साथ में ये बार काउंसिल को जो है, बार काउंसिल ये ईच हाई कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और इसे डिसिप्लिनरी एक्शंस के मैटर्स में रोल प्ले करने का अधिकार है, पावर दी गई है बार काउंसिल को। साथ ही में हाई कोर्ट जो है उसे भी डिसिप्लिनरी पावर है, लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले उन्हें वो केस को क्या करना पड़ेगा, बार काउंसिल को रेफर करना पड़ेगा। तो ये है, बेसिक आइडिया है इंडियन बार कमेटी क्या थी 1923 की। आई होप आपको समझ आ गया होगा, शॉर्ट एंड स्वीट पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में कमेंट कीजिए किस चीज़ों पर, किस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। साथ ही में शेयर कीजिए वीडियो को, आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।